गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 पाठ संख्या 7। और पाठ का नाम पता है बच्चों क्या है? पाठ का नाम है सुनैना की डायरी। प्रस्तुत पाठ बच्चे डायरी विधा में लिखा गया है। इसमें सुनैना नाम की एक लड़की है जो बहुत सुंदर होने के कारण सुंदर वस्तुओं व व्यक्तियों को ही अपना समझती थी। वह आसपास सदैव सुंदरता का बनावटी घेरा बनाए रहती, जिसे उसके दादाजी ने तोड़ा। उन्होंने उसको सच्चाई से सामना कराया तथा सभी के लिए उनके मन में प्रेम की भावना व सहृदयता की भावना को जगाया। कि सुनैना नाम की लड़की थी जो वो बहुत सुंदर थी और इसीलिए उसे सुंदर चीज़ों से ही प्रेम था। वो दूसरी चीज़ों को तो अपने पास भी नहीं आने देती थी। तो ये सब कुछ उसके दादाजी ने उसके भ्रम को तोड़ा और उसे सच्चाई से अवगत कराया। और आओ जाने बच्चे इस पाठ में क्या है। 5 अगस्त का दिन है। क्या कहा है कि आज भी मैं रोज की तरह बन सबर कर विद्यालय गई। मैं शुरू से ही सुंदरता की दीवानी रही हूँ। अपने को शीशे में निहारना, सजना सवरना मुझे बहुत पसंद है। मेरे जूते, बैग, खिलौने, पेन, कॉपी, कपड़े सब कुछ साफ सुथरे और सुंदर रहते हैं। मेरी सहेलियाँ भी मेरी इस बात की तारीफ करती हैं। कक्षा में भी मैंने उन्हीं को अपना मित्र बनाया है जो देखने में अच्छे लगते हैं। अपनी इस आदत के कारण मैं कम ही सबसे घुलती मिलती हूँ। घर में दादाजी मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। हम हर शाम बगीचे में घूमने जाते हैं, जहाँ दादाजी जंगली बिल्लियों, कुत्तों आदि को घर का बचा हुआ खाना खिलाते हैं। आज भी हम बगीचे में गए थे, जहाँ बड़ी देर बैठकर हमने गपशप करी। आगे कौन सा दिन आता है? आगे आता है 8 अगस्त के दिन की डायरी जो सुनैना ने लिखी है। आज शाम सीमा अपनी मम्मी के साथ हमारे घर आई, जिस कारण मैं दादाजी के पास बगीचे में न जा सकी। आज उसकी फ्रेंड थी जिसका नाम सीमा था, वो अपने मम्मा के साथ हमारे घर आई, जिसके कारण सुनैना कह रही है कि मैं अपने दादाजी के साथ बगीचे में नहीं जा सकी। बगीचे से लौटते समय दादाजी अपने साथ एक बिल्ली लेकर आए। बगीचे से जब दादाजी लौटे तो अपने साथ एक बिल्ली ले आए जो बुरी तरह घायल थी। दादाजी बिना कुछ बोले घर के नीचे वाले तहखाने में चले गए। वो बिल्ली बड़ी घायल हुई पड़ी थी। दादाजी किसी से कुछ नहीं बोले और चुप करके नीचे वाला जो बेसमेंट था, तहखाना था, वहाँ चले गए। मैं भी उनके पीछे पीछे चल दी। अक्सर दादाजी अपना समय वहीं गुजारते थे, जहाँ पुरानी किताबें, समाचार पत्र, पुरानी तस्वीरें और न जाने ऐसा ही कितना सामान रखा हुआ था। दादाजी उस बिल्ली के जख्मों को धोकर मरहम पट्टी करने लगे और मैं दूर से ही दादाजी के कार्यों को देखती रही। वह बिल्ली खून से लथपथ थी, उसे काफ़ी चोटें आई हुई थी और वह बहुत बदसूरत भी लग रही थी। बिल्ली की इस दशा का कारण जब मैंने जानना चाहा तो दादाजी ने बताया कि किसी कार के नीचे आने की वजह से उसकी यह दुर्गति हो गई है। मुझे उसमें से वैसे ही बदबू आ रही थी। ऊपर से जख्मों पर लगी दवाइयों ने मुझे और भी विचलित कर दिया। मैं हल्दी वाला दूध लेने के बहाने से रसोई घर की तरफ बढ़ गई। वहाँ जाकर मैंने चैन की एक ठंडी सांस ली, क्योंकि उसे सुंदरता पसंद थी और वो बदसूरत चीज़ों को देखना भी पसंद नहीं करती थी। इसलिए बहाना लगाकर वो रसोई में चली गई। क्या लेने के लिए? हल्दी वाला दूध लेने के लिए। आगे आता है 9 अगस्त का दिन। आज मैं बिल्ली को देखकर बहुत परेशान हुई। उसके शरीर पर जगह जगह पट्टियां बंधी हुई थी। उसके अलावा वह पूरे घर में इधर से उधर घूम रही थी, जिसे देखकर मेरा मन घर से दूर चले जाने को कर रहा था। दादाजी बिल्ली का पूरा ध्यान रख रहे थे। समय पर उसे दूध, अंडा, ब्रेड, रोटी आदि सब कुछ खिला रहे थे। मरहम पट्टी करना आदि अनेक बातों का ध्यान भी दादाजी पूरी तरह से रख रहे थे। लेकिन मैं दादाजी से दूर हो रही हूँ इस बात का उन्हें पता भी नहीं था कि जब वो जा नहीं रही थी उसके पास, बिल्ली के पास, बिल्ली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी दिखने में। तो इसलिए उसको ये नहीं था कि दादाजी से मैं दूर चली जा रही हूँ, इसलिए उन्हें ये पता भी नहीं है। आगे आता है बच्चों 10 अगस्त का दिन। आज मैं स्कूल से सीधे मामा जी के घर चली गई। सुबह ही मैंने मम्मी को बता दिया कि आज मैं मामा जी के घर जाऊंगी। मुझे उस बिल्ली की बदसूरती से इतना विचलित किया हुआ था कि सोते जागते हर समय वह मेरे विचारों में आने लगी थी। मैं पूरे दिन मामा जी के घर गई। मेरे भाई बहनों के साथ मैं वहाँ खूब खेली। मैं बिल्ली को भी थोड़ी देर के लिए भूल गई थी। मेरे प्रिय मित्र दादाजी भी अब उसी के साथ ज़्यादा रहने लगे थे। खैर, आज तो मैंने मामा जी के घर खूब मज़े किए। आगे आता है बच्चों 11 अगस्त का दिन।
आज 3 दिन हो गए थे, बिल्ली अभी भी हमारे घर में ही थी। दादाजी ने प्यार से उसका नाम कैटी रख दिया। मुझे वह अपनी बदसूरती के कारण घर में घूमती हुई खटक रही थी। वह हर समय दादाजी के आसपास रहने लगी थी, इसलिए मैं उनके पास जाने से कतरा रही थी। दादाजी ने मेरी इस बात को भांप लिया था। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे बड़ी देर तक समझाया, हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, चाहे वह जीव जंतु हो या मनुष्य। उन्होंने बाहरी सुंदरता को कुछ समय रहने वाला तथा मन की सुंदरता को सदैव हरा भरा रहने वाला बताया। दादाजी ने समझाते हुए यह भी कहा कि इस संसार में सब कुछ भगवान के द्वारा बनाया गया है। यदि हम बाहरी दिखावे को देखेंगे तो आंतरिक सुंदरता को कभी देख नहीं पाएंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने समझाया कि हमें किसी जीव से घृणा नहीं करनी चाहिए, सभी से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जड़ हो या चेतन, पशु पक्षी हो या पेड़ पौधों या कोई भी इंसान। इन सब के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि यदि वे बीमार हो गए या उन्हें किसी दुर्घटना से चोट लग गई तो क्या मैं उनसे घृणा करूंगी। दादाजी की इन बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। हाँ जी बच्चों, उसके दादाजी ने समझाया कि अगर बाई चांस मुझे किसी तरह से कोई चोट लग जाती है तो क्या तुम मुझे मतलब मेरे से घृणा करने लग जाओगे। तो उसको थोड़ी थोड़ी अब समझ आने लग गई थी रिया को। अब आते आगे बच्चों 12 अगस्त का दिन। आज कक्षा में मैंने अपने आसपास नज़र घुमाकर देखा। दादाजी की बातों ने रात भर में मुझ पर काफ़ी असर कर दिया था। वो रिया सारा रात भर सोचती रही कि दादाजी ने मुझे बिल्कुल सही कहा है। वे बच्चे जिनसे मैं अपनी असुंदरता के कारण कतराती थी, उनसे आज मैं बड़े प्यार से मिली। मुझे अपने पर हैरानी हो रही थी कि एक रात में कितना बदल गई हूँ। मुझे अपने पुराने व्यवहार पर बहुत बुरा लग रहा था। मैंने कक्षा में सभी बच्चे मेरे इस बदले स्वभाव से हैरान भी हुए। आज का पूरा मेरा दिन खुशियों से भरा रहा। घर पर आने के बाद मैंने कैटी के सिर पर गर्दन पर प्यार से हाथ फेरा तो कैटी ने भी पूंछ हिलाकर मेरे प्यार को स्वीकार कर लिया। फिर बड़ी देर तक हम दोनों खेलते रहे। दादाजी को मेरा यह बर्ताव अच्छा लगा। मैंने भी आज अपने को काफ़ी बदला हुआ महसूस किया। अब उसमें काफ़ी चेंजेस आ गए थे। आगे आता है बच्चों 13 अगस्त का दिन। कैटी से मेरी अब दोस्ती हो गई थी। धीरे धीरे उसकी तबीयत भी सुधरने लगी थी। आज हम दोनों ही दादाजी के साथ बगीचे में टहलने गए। कैटी की गोल गोल सुंदर आंखें मुझे अच्छी लगने लगी थी। आज मैंने उसे प्यार से दूध रोटी खिलाई तो मेरा मन बहुत खुश हुआ। दादाजी ने मुझे आज इंटरनेट पर पशु पक्षियों से संबंधित जानकारियाँ दिखाई, जिसने मुझे पता चला कि मनुष्य के जीवन में ये पशु पक्षी कितने आवश्यक हैं। यही नहीं बल्कि आने वाली घटनाओं की जानकारियों की सूचना इन पशु पक्षियों के माध्यम से भी हम जान सकते हैं। आगे आता है बच्चों 14 अगस्त का दिन। आज क्या हुआ, दादाजी ने जैसे ही कैटी की पट्टियाँ खोली वैसे ही वह पूरे घर में दौड़ दौड़ कर अपनी खुशी दिखाने लगी। कभी मम्मी पापा के कमरे में तो कभी मेरे पास और फिर दादाजी के पैरों में लेटने लगती। दादाजी उसके इस करतब पर खूब हंसे। उसे देखकर उनका हृदय गदगद हो गया, आंखें आंसुओं से भर आई। ये पशु पक्षी हमसे कितना प्यार करते हैं, कितना अपनापन लुटाते हैं। फिर मैंने उसे गोद में उठाकर खूब प्यार किया। सचमुच पशु पक्षी ईश्वर की अनमोल रचनाएं हैं। अब मैं ये जान चुकी थी कि यदि सुंदरता हमारी नज़रों में है तो सारा संसार ही सुंदर लगता है। अब रिया को एहसास हो गया था कि अगर हम पशु पक्षियों से प्रेम करते हैं तो वो भी अपना अपनापन हमें दिखाते हैं। तो उसने कहा कि जो नजर सुंदरता है वो हमारी नज़रों में है और सारा संसार ही हमें क्या लगता है, सुंदर लगता है। जब हम सभी चीज़ों को सुंदर मानते हैं तो सारा संसार हमें सुंदर लगेगा। जब हम सभी चीज़ों को बदसूरत मानेंगे तो सारा संसार भी हमें बदसूरत ही दिखाई देगा। ये चैप्टर बच्चे लक्ष्मी जैन जी के द्वारा लिखा गया है। धन्यवाद बच्चों।